हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं काशिफ और आज मोटोरोला ने इंडिया में इस साल का फ्लैगशिप मोबाइल लॉन्च किया है जिसका नाम है मोटो जी। मोटोरोला ने एक और मॉडल इस सीरीज़ में लॉन्च किया है जिसका नाम है मोटो जी प्ले। चलिए दोस्तों, इसके स्पेक्स के बारे में बात करते हैं। मोटो जी में आपको 5.5 इंच की क्वाड HD एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है और साथ में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 4 की प्रोटेक्शन मिल जाती है। फ़ोन बहुत ही स्लिम है, इसमें आपको सिर्फ 5.2 मिलीमीटर की थिकनेस दिखने को मिलेंगी। मोटो जी में आपको स्नैपड्रैगन का 820 प्रोसेसर मिल जाता है जो कि 2.1 GHz पर काम करता है। 4 GB की रैम और 64 GB की इंटरनल स्टोरेज मिलती है। इसमें आपको माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट दिया गया है। मोटो जी में आपको रियर कैमरा 13 MP का मिलता है। यहाँ आपको देखने को मिलेगा f1.8 का अपर्चर, लेज़र ऑटोफोकस और OIS और साथ में डुअल टोन LED फ्लैश। फ्रंट कैमरे की बात की जाए तो इसमें आपको 8 MP का कैमरा मिलता है जो कि f2.2 के अपर्चर के साथ आता है और इसमें आपको फ्रंट फेसिंग फ्लैश लाइट भी मिल जाती है। फ़ोन में आपको सामने की तरफ नीचे मिलता है एक फिंगरप्रिंट सेंसर। बैटरी की बात करें तो इसमें आपको 2600 mAh की मिल जाती है जो कि टर्बो चार्जिंग को सपोर्ट करता है। फ़ोन में आपको USB Type-C का पोर्ट मिलता है और इसमें आपको हेडफोन जैक नहीं दिखने को मिलता है क्योंकि डिज़ाइन बहुत ही स्लिम है, इसलिए हेडफोन जैक नहीं है। मोटो जी की प्राइस 39,999 रखी गई है, यानी कि 40,000 रुपये रखी गई है। इस फ़ोन में आपको एक यूनिक फीचर दिखने को मिलता है जो कि मोटो मॉड्स कहते हैं। फ़ोन में आपको पीछे नीचे की तरफ कुछ पिंस दिखने को मिलते हैं। मोटोरोला ने कुछ मोटो मॉड्स इंट्रोड्यूस किया है जो कि इस फ़ोन में आप पीछे मैग्नेटिकली अटैच कर सकते हैं। मोटोरोला मोड्स में आपको प्रोजेक्टर की एसेसरीज मिल जाती है। अगर आप चाहें तो एक अच्छा पॉइंट एंड शूट कैमरा बना सकते हैं मोटो जी को। इस कैमरे मॉड्यूल से आप 10x जूम कर सकते हैं। ऐसे ही आपको JBL के स्पीकर्स और पावर बैंक की तरह चार्जर दिखने को मिलते हैं। अब हम बात करें मोटो जी प्ले की, तो इसमें आपको 5.5 इंच की फुल HD डिस्प्ले मिलती है जो कि सुपर एमोलेड डिस्प्ले है। इसमें आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 4 मिलता है। इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 625 प्रोसेसर मिलता है जो कि ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, 2.1 GHz पर यह काम करता है और एड्रीनो का 506 GPU मिलता है। 3 GB की रैम और 32 GB की इंटरनल स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंड आप 2 TB तक कर सकते हैं और ये आपको एंड्रॉयड 6.0.1 यानी मार्शमेलो पर मिलता है। कैमरे की बात की जाए तो 16 MP का रियर कैमरा मिलता है डुअल टोन LED फ्लैश के साथ, लेज़र ऑटोफोकस PDAF 1.3 माइक्रोन पिक्सल के साथ और f2.0 अपर्चर के साथ। 5 MP फ्रंट फेसिंग कैमरा है, वाइड एंगल लेंस के साथ आता है और LED फ्लैश मिल जाती है। इसमें आपको 3510 mAh की बैटरी मिलती है जो कि टर्बो चार्जिंग को सपोर्ट करता है और इसमें आपको 3.5 mm का हेडफोन जैक दिखने को मिल जाता है और बाकी सब नॉर्मल थिंग्स मोटो जी की तरह ही है। इसमें भी आप मोटो मॉड्स यूज़ कर सकते हैं। इंडिया में इसकी प्राइस 25,000 रुपये रखी गई है। ये दोनों मोबाइल आपको फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन पर 17 अक्टूबर को मिडनाइट में मिल जाएगा। मोटो मॉड्स की प्राइसिंग आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये आप सेपरेटली भी ले सकते हैं और बंडल के साथ भी। बंडल के साथ लेने पर आपको कुछ डिस्काउंट्स भी मिल जाएंगे। मेरे हिसाब से मोटो जी मोबाइल वैल्यू फॉर मनी है क्योंकि इसमें आपको फ्लैगशिप स्पेक्स के साथ में एक न्यू इनोवेटिव फीचर भी देखने को मिलता है जो कि अभी तक किसी कंपनी ने नहीं किया। LG ने G5 में डिफरेंट मोड्स के फीचर्स ऐड करने की कोशिश की बट वो इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया। हालांकि आपको ये सारे स्पेक्स या फिर इससे थोड़े अच्छे स्पेक्स OnePlus 3 में देखने को मिलते हैं, लेकिन आपको इसमें यूनिक फीचर भी तो मिलता है। और इंडिया में मोटो जी की प्राइसिंग कम रखी गई है अगर US से कंपेयर किया जाए तो, क्योंकि US में लगभग ये मोबाइल 47,000 का मिल रहा है और इंडिया में सिर्फ 40,000। इस हैंड्स ऑन और क्विक रिव्यू में इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और शेयर ज़रूर करें। मेरे चैनल टेक फायर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।